नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं हम इस वक्त आरजे आज़ाद की सीडी लॉन्चिंग के इवेंट पे हैं मौजूद। मेरे साथ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, उनके व्यूज़ भी लेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको कितना इंतज़ार था इस सीडी का। उसके अलावा एक और इवेंट जो कि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, गो टेंशन गो, उसका भी व्यूज़ लेंगे लोगों से और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। सो सबसे पहले हम बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, आए देखते हैं। आए जी, अस्सलाम वालेकुम। सो आपका इंतज़ार कितना था और एक्साइटमेंट कितनी थी और ख़त्म हुआ? जी हम इसको बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे कि ये सीडी आए, हमने काफ़ी तारीफ सुनी है, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे इसकी वीडियो कैसी आई है। तो हमारा पाकिस्तान चेंजिंग लेके आए, हमें ये खुशी है कि अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट आए, गुलकार आए, ताकि हम उनको देख के इंजॉयमेंट करें। और एक होता है ना कि उम्मीद होती है कि हम किसी इवेंट पर जाएँगे तो। सो आप देख रहे हैं जैसे आज लॉन्चिंग है सीडी की, तो आपकी एक्साइटमेंट, सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आपकी एक्साइटमेंट लेवल जो है सीडी के हवाले से वो कैसी है? हमें ये परमिशन मिली, ये बहुत अच्छी सीडी है और ये हमारे जो क्या नाम है इनका भाई का, क्या आरजे आज़ाद, इधर शुरू कर दीजिए, आरजे रिजाद साहब बहुत अच्छे रेडियो के मेकर हैं, तो हम ये इनकी वीडियो आई है सीडी, इंशाल्लाह देखते हैं इन्होंने कैसा काम किया है। तो हमारे पाकिस्तान में गुलकारा और अदाकारा हम चाहते हैं कि चेंजिंग आए, हम देखें, इंजॉयमेंट करें, ताकि हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो फाइनली आज आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया? आज ख़त्म हो गया, आज हम देखेंगे। तो ये जो 2-4 मिनट्स का वेट है ये कैसा लग रहा है? ये मैं बहुत बेचैनी हो रही है। अच्छा। ये बेचैनी से इंतजार हो रहा है, बेसब्री से इंतजार हो रहा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। 2-4 मिनट का इंतजार बस थोड़ी देर तक होने वाला है खत्म। सो नेक्स्ट हमारे साथ देखते हैं कौन है मौजूद। आए जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सो हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं इस वक्त, इनको जितना ज़्यादा इंतज़ार था, सीरियसली बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फेसबुक पे आके पूछ रहे होते हैं, इनबॉक्स में पूछ रहे होते हैं कब आएगी, कई महीनों से इंतज़ार। सर जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनका पूछते हैं कि कैसा इंतज़ार ख़त्म हुआ। जी सर जी, जी मेरा नाम नीम चिनेसर है और आरजे आज़ाद की जो सीडी लॉन्च होनी थी बहुत इंतज़ार के बाद जो आज उसकी ओपनिंग है, और ये वो बच्चा है कि जो माशाल्लाह ऐसे आरजे हमारे 95 पे आए थे, वो देखते ही देखते आवाज़ की दुनिया में छा गए। और नादरीन हमारी जो आरजे समरीन है और आरजे आज़ाद हैं, वो भी जो है ना एक टेलीविजन ऑन टेलीविजन और ऑन टीवी है, तो आप इसको ऑन टीवी को भी आप देखा करें। बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे साथ जो मौजूद है हम उनसे पूछते हैं कि ऑन टीवी पे जो हम प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, मैं यानी कि समरीन और आज़ाद के साथ गो टेंशन गो, उसके हवाले से इनके व्यूज जानते हैं। देखें समरीन बेटा, ये गो टेंशन गो वाला जो प्रोग्राम है ना ऑन टीवी का, ये मेरे शिद्दत थे, हम इसके मुंतजिर थे। अब नादरीन को भी हम कहेंगे कि ये जो शो हो रहा है ना, ये आरजे समरीन आरजे आज़ाद कर रहे हैं, आप भी देखें और हम भी इसे देखेंगे। बहुत शुक्रिया। सो हमारे साथ मौजूद हैं सर नईम चने सर की मिसेज, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। आपके क्या चलें ठीक और व्यूअर जी व्यूवर्स हमारे साथ एक और व्यूवर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनके ख्यालात और उनकी जो इस सीडी को लेकर उम्मीदें हैं उसके हवाले से पूछते हैं। वालेकुम सलाम जी, आपका क्या ख्याल है, इंतज़ार आपका भी ख़त्म हुआ और आपकी क्या उम्मीदें हैं इससे? इंतज़ार जो है ना, इंतज़ार की घड़ियाँ तो लंबी हो जाती है ना, आपको पता है, तो उसकी वजह से फिर वैसे ही मैं अपना FM 101 अपना 95 यानी कि आपके सब चैनल सुनता हूँ, आपसे बच्चों से प्यार करता हूँ, और माशाल्लाह दाद साहब का आज प्रोग्राम सुना, बेचैन था आने के लिए तो आया हूँ, तो माशाल्लाह देखा बड़ी रौनक लगी है। बहुत शुक्रिया। और ऑन टीवी पे जो प्रोग्राम लग रहा है गो टेंशन गो, उसके हवाले से? वो माशाल्लाह बहुत हैवी है हमारे लिए, क्योंकि मैं म्यूजिक का जो है ना बड़ा दीवाना हूँ, बचपन से सुनता आ रहा हूँ और अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, माशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो बस इसके हवाले से बस
देख रहे हैं कि मतलब बड़ी इधर रौनक लगी हुई है माशाल्लाह, चहल पहल बड़ी हुई है माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। हालांकि घर वाले क्या पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहे हैं, मैंने बोला जी मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं वो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है, सिर्फ उनके लिए नाम ही काफ़ी है, अंजुम शहजाद। सो उनसे जानते हैं इस सीडी के हवाले से। इस सीडी के हवाले से मैं यही कहूँगा कि गाने तो इसके बड़ी देर से सुनते रहे थे हम, और बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि ये सीडी कब आती है, और आज खुदा खुदा करके ये दिन आ गया कि सीडी की आज लॉन्चिंग हो रही है। और इसमें एक और बात भी शायद आपको नहीं पता कि इस सीडी के जो डायरेक्शन शानी शेख ने दी है, और साथ एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर मैं हूँ अंजुम शहजाद। इसीलिए मैंने कहा है कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह से हर फील्ड में, और आरजे भी हैं, होस्टिंग भी की है, माशाल्लाह से एक्टिंग भी की है, सो हर फील्ड में हैं, और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ना, ऑल इन वन। सो अंजुम शहजाद, बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया। और ये गो टेंशन गो जो है ऑन टीवी पे, ये भी हम सारे मिलके ही करेंगे, जिस तरह हम एक और चैनल पे करते थे, अब ऑन चैनल ऑन टीवी जो है उस पर गो टेंशन गो बहुत जल्द आ रहा है, आप देखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल, हमारे साथ एक और व्यूअर मौजूद हैं, उनके हवाले से भी जानते हैं उनकी ख्यालात क्या हैं दोनों चीज़ों के हवाले से, सीडी के हवाले से जो आरजे आज़ाद की आ रही है, और उसके अलावा जो मेरा और आरजे आज़ाद का प्रोग्राम है ऑन टीवी पे, गो टेंशन गो, उसके हवाले से भी उनके व्यूज़ जानते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। तो आज़ाद भाई जो हैं, जितने भी सीडियाँ रिलीज़ करेंगे, हम इंशाल्लाह उनके शाना बशाना चलेंगे, और हम उनकी हर खुशी में हम शामिल हैं। पीछे भी उन्होंने जो सीडी रिलीज़ की थी, ऑडियो सीडी थी, हम उसके उनके साथ उनकी हर खुशी में शामिल थे, और अब जो वीडियो सीडी आई, हम फिर भी उनके साथ खुशी में शाना बशाना शरीक हैं। तो इंशाल्लाह जो ऑन टीवी पे आपका प्रोग्राम चल रहा है गो टेंशन, हम इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे, और आवाम को भी कहेंगे कि वो ज़रूर देखें। और आज़ाद भाई की जो सीडी है, जो भी सीडी ये खुशी करेंगे, हम इनके साथ शाना बशाना और FM 95 की टीम के साथ हैं, हम एक प्रोग्राम करते हैं, आरजे हुराना मजीद नाम है। और जनाब, आप जो है ना ये सीडी ज़रूर देखिए और सुनिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सीडी की लॉन्चिंग पे आई हैं जी, ऐसी बात है। तो मैंने पूछना था कि आपका सीडी लॉन्चिंग का इंतज़ार जो था, एक इंतज़ार होता है ना, वो ख़त्म हुआ, तो कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे तो नहीं अच्छा फील हो रहा। क्यों, वजह? जारी बात है, इंतज़ार तो बुरी चीज़ होती है। हाँ, लेकिन फाइनली ख़त्म हो गया, फिर तो बुरी चीज़ नहीं ना रही, तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलो शुक्र है, अच्छा लगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नाजरीन, एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो इस सीडी लॉन्चिंग के हवाले से ही यहाँ पे हमारे पास आए हैं, और इनकी व्यूज़ जानते हैं किस हवाले से, इंतज़ार के हवाले से जी। अस्सलाम वालेकुम जी, तो बहुत अच्छा हुआ है माशाल्लाह, जो है ना ये आज सीडी हो रही है, बहुत इंतज़ार हमने किया था इसका, तो आज देखो कितनी गहम हुई है इसी को शौक सुनने के लिए माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, अभी गो टेंशन जो प्रोग्राम है ना, अल्लाह को तरक्की दे, और आज़ाद को और जो समरीन हमारे पास खड़ी हुई है ना, इनको भी अल्लाह पाक जो है ना हिम्मत दे, ताकत दे। तब जो सीडी के वाले से मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत लॉन्च हो रही है, आज हो रही है, इसका इंतज़ार हमने बहुत किया है, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आज इंशाल्लाह वो मौका मिल गया, अब काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी तैयार हो रही है माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा आज आ रही है, तो ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जिस तरह नाजरीन आपने देखा कि मैंने हर एक से इंटरव्यू लिया उर्दू में, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी जिन्नी पंजाबी टच भी होना चाहिए। सो साडे नाल जिहड़े मौजूद ने हजरात, इन्हां कोलों पुछांगे लॉन्चिंग दे हवाले नाल भी, और ऑन टीवी ते जिहड़ा मेरा यानी कि समरीन और आज़ाद दा प्रोग्राम चलना है गो टेंशन गो, ओहदे हवाले नाल भी जी। बड़ी अच्छी गल है जी, जी आए नूं ए सीडी नूं, मैं ते इक शेर दे नाल कहवांगा, मुनीर नियाज़ी ने क्या खूब किया है, कुछ उंज वी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक वी सी, कुछ शहर दे लोक वी ज़ालम सन, कुछ सानूं ही मरन दा शौक सी। तो मैं जुल्फकार साहब को, आज़ाद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये सारा एहतमाम किया, और बड़ी देर के बाद एक नई चीज़, एक नया चीज़ सामने आई है। मैं समझता हूँ ये एंटरटेनमेंट गो टेंशन गो सदका जारी है, किसी को एक अच्छा माहौल देना इस गुरबत में, महंगाई में, टेंशन के दौर में, अगर आप ये चीज़ माहौल कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त सुपरस्टार होंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नाजरीन, हमारे साथ अब म्यूज़िक का बहुत बड़ा नाम, और जिस तरह आपको पता है कि आज हम म्यूज़िक सीडी की ही लॉन्चिंग कर रहे हैं, और ये हो नहीं सकता कि म्यूज़िक की बात हो रही है और म्यूज़िक के लोग हमारे साथ मौजूद ना हो। सो हमारे साथ मौसीकार मौजूद हैं, हम उनके हवाले से बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, समरीन जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं मौसीकार साबर अली, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान किंग ऑफ फोक का मुझे ख़िताब है, केसेट सीडी की दुनिया में, पाकिस्तान की फिल्में हैं
यूनुस मलिक साहब के साथ, हदायतकार कैफी साहब के साथ कुछ 10-15 फिल्में हैं मेरे दामन में, इंडिया की फिल्में हैं। आशा जी, लता जी, सोनू निगम, उदित रैन, कुमार सानू, सोनू निगम, साधना सरगम, इन लोगों ने मेरी मौसीकी में गाया। नेट पे हूँ मैं मौसीकार साबर अली के नाम से, और आप लोगों का ये सारा सिस्टम देख के मुझे बहुत खुशी हुई है, और आपसे मिल के समरीन जी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, हम आपको दिल से वेलकम कहते हैं। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी मौजूद थी, सो हम उनका थैंक यू कहते हैं कि वो आज इस इवेंट में आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपकी मेहरबानी, सुनने वालों की, देखने वालों की मेहरबानी, समरीन आपका शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और खातून बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी की मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, और वो भी आज सिटी लॉन्चिंग के हवाले से ही आई हैं, तो उनका भी पूछते हैं कि इंतज़ार ख़त्म हुआ तो कैसा लग रहा है उनको। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ा अच्छा लग रहा है, और काफ़ी अरसे से अच्छे सिंगर की गायकी का इंतज़ार था, और अच्छा है कि अच्छे लोग सामने आए और एक अच्छा म्यूज़िक सुनने को मिले। हाँ जी, तो मेरा बेटा जो है साथ अली रज़ा, ये भी बहुत म्यूज़िक लवर है, और इवन के ये गाता भी है। अच्छा। या हाँ जी, और ये स्पेशली आया था कि भाई मैंने जाना है और परफॉर्मेंस देखनी है और सिटी की लॉन्चिंग, और दूसरा ये कि खुद भी इसे क्योंकि शौक है, और वो फिर इस वजह से हम लोग आए ज़्यादा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप इंशाल्लाह 2-3 मिनट के इंतज़ार के बाद आप बहुत सारा इंजॉय करने वाले हैं। जी आए थोड़े से, बस ये ठीक है जी। सो हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, अली रज़ा, और जैसे कि उनकी मामा ने बताया कि वो गा लेते हैं, तो उनसे क्यों ना हम दो बोल सुने। जी, मैं राहत अईटा फैन हूँ, और मैं राहत अईटा डांस दो बोल सुनाता हूँ। मैं तेनु समझ जावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, टूटी जाने प्यार मेरा, मैं तेरा इंतजार तेरा, तू दिल तो यों जान मेरी, मैं तेनु समझ जावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह तुसी गाए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, साढ़े नाल कोई होर भी मौजूद है, उन्होंने कोलों पूछना है कि उन्हों का इंतजार कैसा, इंतजार खत्म होया तो उन्होंने फीलिंग्स की है अज के दिन के हवाले नाल, सीडी लॉन्चिंग के हवाले दे नाल। अस्सलाम वालेकुम, उसाद जीरा मेरा नाम है, जुल्फकार आजाद की अज सीडी लॉन्च हो रही है, सानू साढ़े वास्ते बड़ी ऑनर की गल है कि असी सुनने इन्हों, और अज असी सीडी अज प्रोग्राम से भी पहुँचे हाँ। और असल दे विच मैं तुहानू दसा कि मेरा असल मेरी धरती दे नाल जुड़े थे इस गुलूकार की आर जे है, उस तो बाद गुलूकार बनया, इन्हां दी आवाज़ ने एक ऐसा जादू साढ़े ते कीता कि असी इन्हां नू सुनन तो बगैर रह नहीं सके। अज असी इस अपना सीडी लॉन्चिंग के हवाले नाल असी ते पहुँचे हाँ, सानू बड़ा अच्छा लग रहा, उम्मीद है कि ऑन टीवी असी भी वेखांगे, लोग भी वेखणगे और सुनते रहणगे ते वेंदे रहणगे। थैंक यू सो मच जी। व्यूअर्स, जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हैं, लिसनर्स कह लें या फिर फैंस कह रहे हैं, जो आज़ाद के हैं और इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, सीडी लॉन्चिंग के दिन का इंतज़ार कर रहे थे, और देखें कितना यहाँ पे रश लगा हुआ है, तो हम पूछते हैं कि कितनी सीडीज इस वक्त सेल हो चुकी हैं। अभी तक लोग काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, तकरीबन 300 ज़्यादा सीडी इस वक्त सेल हो चुकी है, 300 कम अज़ कम 300 सीडी सेल कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो सीडी सेल अमाउंट भी, वो नंबरिंग भी बोलें कितनी, कुछ खुद रखूंगा कुछ दोस्तों को। जी नाजरीन, आप जैसे देख रहे हैं कि सीडी काउंटर पे हम खड़े हैं, तो सीडी काउंटर पे पूछते हैं हम कि कितनी सीडीज अब तक सेल हो चुकी हैं। जी जी, ये सीडी मैंने 5 खरीदी है भाई से। अच्छा। खुद भी देखेंगे और दोस्तों को भी दिखाएंगे, तो ये नई सीडी रिलीज हुई है तो उनका ये गिफ्ट दूंगा मैं। बहुत शुक्रिया। सो नाजरीन, आप सीडी के हवाले से लोगों का क्रेज देख रहे हैं, सो सीडी काउंटर पे जो हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही प्यारे से भाई, हम इनसे पूछते हैं कि अब तक कितनी सीडी सेल हो चुकी हैं। अभी तकरीबन 1 घंटा हुआ है, 1 घंटे में कम से कम 500 सीडी मैं बेच चुका हूँ, 500 सीडियाँ। ग्रेट, 500, और अभी सिर्फ ये 1 घंटे की बात है, सो इसकी नंबरिंग बढ़ती 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 जाएगी इंशाल्लाह। सो इसी से पता चल रहा है लोगों का इंतज़ार, लोगों का क्रेज और फन जो अभी अंदर चल के हम दिखाएंगे आपको ज़रूर इंशाल्लाह। सो आप चलिए हमारे साथ, थैंक यू।
बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक आरजे अंजम शहजाद को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم
یکزنون کسی انجمن میں ذکر رسالت مابہم کسی انجمن میں ذکر رسالت ماب ہے اسی انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے فخر رسول ہے صاحب ام الکتاب سر پہ ہو جن کے پسینہ بھی گلاب ہے او جڑا کملی والے دے قریب نہ ہی او تے رب دے قریب ہو سکدا وہ نہ اس مرین کے جڑا کملی والے دے قریب نہیں او تے رب دے قریب نہیں ہو سکتا او تے درد ٹکڑے کھان والا سو رب دی غریب نہیں ہو سکتا قریب مصطفی علی ہوے تھا تھا تے جان دی لوڑ کیے کو یار سواد دا لب جاوے او تے یار بنان دی لوڑ کیے चंगे चंगे आते ते भैड़े भैड़े आते चंगे चंगे आते भैड़े भैड़े आते हुंदे दीन दारा दे दीन दार बेली ते हुंदे जेड़े असल फरीद वाले अगू करते नहीं हो तकरार बेली ते ओना बेलियां नू किसे की करना छाट जांदे जो अर्थ विच कार बे ਉਹਨਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਰ ਬੇਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੌਫ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬੇਲੀ ਏ ਰੱਬ ਦਾ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਗੁਨਗੁਨਾ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਛੱਲਿਆ ਗੁਨਗੁਨਾ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਛੱਲਿਆ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰੀਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਏ गुनगुना के बेखते सही छलिया किदा नाम सुरीला हजूर ताए सब तू उच्ची हजूर दी जात दिसदी सब तू उच्चा कबीला हजूर ताए करना चाहना जे रब तू राजी इको हर पाते हिला हजूर ताए तेरिया पंजे नमाजा किस कम ने जे तू धरे हजूर ते झुकना नहीं गुनगुना के बेखते सही छलिया किटा नाम सुरीला हजूर दाए सब तू उच्ची हजूर दी जात दिसदी सब तू उच्चा कबीला हजूर दाए करना चाहना जे रब नू तू राजी इको हर बाते हिला हजूर दाए तेरिया पंजे नमाजा किस कम ने जे तू दरे हजूर ते छुकना नहीं दुनिया मुकदी मुकदी मुक जानी पर जिक्र मेरे हजूर दा मुकना नहीं सलातीने आलम सलातीने आलम अपनी जगह है दो जहानों का सुल्तान अपनी जगह है सलातीने आलम अपनी जगह है दो जहानों का सुल्तान अपनी जगह है बदलती रही सब आसमानी किताबें पर मेरे मोहम्मद का कुरान अपनी बदलती रही 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 भाइयों तरह उठा के देख लो बदल गई जबूर उठा के देख लो बदल गई अंजीर को पढ़ के देख लो बदल गई पर मेरे मोहम्मद का कुरान अपनी जगह है आखिरी शेर मेरे भाई मलक आसिफ साहब का हुक्म था मैं हाजिर हुआ और मेरे डायरेक्टर मेरे भाई मेरे काबिल दोस्त नवीद रजा साहब उनके मैं अथाह घराइयों से मशगूल हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पढ़ने का शर्फ हासिल किया आखिरी शेर पढ़ के इजाज़त चाहता हूँ कि नाराईस हूँ नाराईस हूँ ना अमीर हूँ ना मैं बादशाह ना वजीर हूँ ना रईस हूँ ना अमीर हूँ ना मैं बादशाह ना वजीर हूँ मेरे पास सागरों जब नहीं मुझे फिर भी कोई गम
जहां में सबसे अमीर हूं। जज़ाकअल्लाह है माशाल्लाह। आज की महफिल की सारी रौनकें आपके दम से हैं, आज की महफिल की सारी रौनकें आपके दम से हैं, ये मोहब्बतें ये चाहते आपके दम से हैं। अपना आना तो कुछ भी नहीं साहिब, अपना आना तो कुछ भी नहीं साहिब, ये मौसम ये बारिशें ये हवाएं आपके दम से हैं। ये जो रात की रानियां और गुलाब बन के आए हैं आप, ये जो रात की रानियां और गुलाब बन के आए हैं आप, हेलो, ये सारे फूलों की सारी खुशबुएं आपके दम से हैं। कैसे मैं बताऊं कि मैं बता नहीं सकती, कैसे मैं बताऊं कि मैं बता नहीं सकती, फलक चांद और सितारे आपके दम से हैं। और क्या मैं तारीफ करूं अपने प्यारों की, और मैं क्या तारीफ करूं अपने प्यारों की, ये तरफ फिर मैं किसी ऐसे तरीके से रखूं ताकि वो इधर नजर आवे, अंदर लोगों नजर नहीं आवे। दुआ है रब से कि ऐसे ही चहकते महकते रहें आप सब, दुआ है रब से कि ऐसे ही चहकते महकते रहें सब, ये सारी चहकारे महकारे सिर्फ और सिर्फ आपके दम से हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम खुशामदीद एंड जी आई एन। मैं सबसे डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर जिन्होंने इस इवेंट को मुनक्कद करने की इजाज़त दी, बहुत ही मोहतरम हस्ती डॉक्टर मैम सुबा सदफ और खाकान हैदर गाजी को कि उन्होंने हमें इस इवेंट को मुनक्कद करने की इजाज़त दी। उसके बाद मैं आने वाले तमाम मुसलमानों को फिर से वेलकम बोलूँगी। और प्रोग्राम का बकायदा आगाज हो चुका है, है?